फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। और नेक्स्ट नाइन लाइफ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक खास प्रोग्राम। और आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे आप सभी के वन ऑफ दी फेवरेट शो। ये उन दिनों की बात है जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है। ये उन दिनों की बात करें तो भाई ये 90s की लव स्टोरी है, जहां पर पहला नशा पहला प्यार वाली फीलिंग होती थी उस टाइम पर। बात करें तो समीर और नैना जो इस शो के मेन कैरेक्टर्स हैं, भाई इनकी जो केमिस्ट्री है, इनका जो टीनेज रोमांस है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और समीर नैना के रोमांस को दिन ब दिन कोई मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि डे बाय डे इसमें हर एपिसोड के साथ कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। वेल, बात करें समीर नैना के रोमांस की, तो यहाँ पर रोमांस काफ़ी थोड़ा एक स्टेप आगे जाने वाला है। दरअसल आज हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट समीर यानी कि रणदीप राय के बारे में। रणदीप राय के बारे में बात करें तो जिस तरह से वो समीर के कैरेक्टर से छा चुके हैं हर जगह, तो वहीं रणदीप राय सोशल मीडिया में अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं और अपने फैंस से जुड़े भी रहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि फैंस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ समीर यानी कि आप सभी के रणदीप राय कुछ लाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने शो का प्रोमो भी किया है शेयर। दरअसल उसमें दिखाया गया है उस प्रोमो में कैसे 80s वाले प्यार में फूल मिलते थे, जहाँ 80s के बाद 90s का समय आया, तो जो टीनेज जो यंग जो जनरेशन की जो लव स्टोरी है थोड़ी एक स्टेप आगे बढ़ी। लेकिन इस लव स्टोरी की बात करें तो भाई 90s में भी शादी से पहले किस करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। जी हाँ, ऐसा ही है प्रोमो में दिखाया गया। लेकिन प्रोमो से हटकर अगर 90s की लव स्टोरी पर जाएं तो कुछ ऐसा ही होता था। आज की जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ चुका है आगे, और जैसे कि मैंने आपसे 90s के बारे में बात की, तो 90s में काफ़ी छुपा छुपी वाला प्यार अक्सर देखने को मिलता था। तो ऐसे में भाई जहाँ जो प्रोमो सामने आया है उसमें नैना जो कि थोड़ी डरी हुई नज़र आ रही है, जहाँ समीर उनसे गाल पे किस की डिमांड करता है, तो ऐसे में अब ये मोमेंट ऐसा आ गया है कि भाई फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें और क्या नया आएगा। वैसे बता दें कि इस चीज़ को लेकर पहले भी काफ़ी ज़्यादा बज क्रिएट था सोशल मीडिया पर, क्योंकि समीर ने किस यानी कि रणदीप राय ने किस को लेकर भी दे चुके हैं एक बहुत बड़ा बयान। तो आज हम बात करेंगे समीर फेम रणदीप राय से जुड़े इस बयान के बारे में, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे इस प्रोमो के बारे में, जिसका फैंस अब इस मोमेंट का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो नजर डालिए हमारी खास रिपोर्ट पर। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे शो ये उन दिनों की बात है कि बात करें तो शो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर समीर और नैना का रोमांस अक्सर ही दिखाया जाता है। लेकिन इन सभी से हटके आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास बातें। जी हाँ, समीर फेम रणदीप राय से। रणदीप राय जो कि समीर के किरदार में नजर आ रहे हैं, देखते ही होंगे आप किस तरह से नैना के साथ उनका रोमांस है जो अक्सर ही दिखाया जाता है। लेकिन इस रोमांस के साथ ही साथ होता है बहुत कुछ। दरअसल आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रणदीप राय जो कि अपने फैंस का रखते हैं पूरी तरीके से ख्याल। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि दरअसल रणदीप राय अपने फैंस के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। और हाल ही में रणदीप राय ने किया है सीरियल ये उन दिनों की बात है का एक प्रोमो शेयर। इस प्रोमो में दिखाया जा रहा है लव स्टोरी किस तरह से 80s की लव स्टोरी के बाद थोड़ा सा 90s की लव स्टोरी में आए हैं बदलाव। और साथ ही साथ प्रोमो में आई है ये बात सामने कि किस तरह से समीर जो है आप सभी के वो नैना से गर्ल पर किस करने को लेकर करते हैं डिमांड। लेकिन यहाँ नैना थोड़ी बारिश नैना थोड़ी डर जाती है। प्रोमो में आप नैना के एक्सप्रेशन जो वीडियो रणदीप राय ने शेयर किया है
उसमें वो काफी ज्यादा डरी हुई सी नजर आ रही है। तो दोनों में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से 90s में भी शादी से पहले जो किस है वो पाप माना जाता था, तो ऐसे में नैना थोड़ा डर जाती है। वेल अब रणदीप राय ने प्रोमो शेयर तो कर दिया है, अब इस शेयरिंग के बाद आप सभी को बता दें कि जो रणदीप राय का ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर पहलका मचा चुका है, क्योंकि आप फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब सामने आएगी रणदीप यानी कि समीर और आशी यानी कि नैना की ये लव स्टोरी। वैसे आप सभी को बता दें कि पहले भी किस वाले सीन को लेकर सोशल मीडिया पर क्रिएट हो चुका है बस, जहां पर कहा जा रहा था कि समीर और नैना का किस दिखाया जा रहा है, लेकिन बाद में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब इंतजार है क्या ये चीज दोबारा होगा, क्या नैना जो समीर की डिमांड को मान लेगी। वैसे आप सभी को बता दें कि यहां पर समीर यानी कि रणदीप राय कह चुके हैं कि अगर कभी किसी सीरियल में अगर वो काम करते हैं या जिस सीरियल में वो काम कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डिमांड होती है, तो उन्हें किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन चीजों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल स्टोरी की जो डिमांड होगी हमें एज एन एक्टर उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो पहले ऐसे में देखना होगा कि एज एन एक्टर वो क्या वो चीजें फुलफिल होती हैं, क्या जो गाल पे किस मांगा है समीर ने क्या नैना उसे देती है या नहीं। वैसे बात करें तो यहाँ पर समीर नैना यानी कि रणदीप राय और आशीष सिंह की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में, तो दोनों एक दूसरे के साथ है काफी ज्यादा कंफर्टेबल। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, जहां इन्हें लेकर कहा जाता है कि समीर और नैना ऑफ स्क्रीन भी इतने अच्छे दोस्त हैं, जितनी अच्छी केमिस्ट्री एज अ कपल रियल लाइफ में दिखाई जाती है उतनी अच्छी केमिस्ट्री एज अ फ्रेंड इनकी रियल लाइफ में भी है, और काफी अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से शो में पहला नशा पहला खुमार, जैसा कि मैं इस शो को लेकर हमेशा ही कहती रहती हूँ कि इसमें दिखाया जा रहा है ऐसा प्यार 90s की लव स्टोरी को, ये उन दिनों की बात ऐसे प्रेजेंट किया गया है, और यकीनन ये दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब भी हो गया है, क्योंकि शो हो चुका है काफी पॉपुलर और उस 90s की लव स्टोरी का एक भी एपिसोड दर्शक मिस नहीं करना चाहते। और 90s के जो वो लव बर्ड्स हैं शो में समीर और नैना, जहां इनके प्यार का जो खुमार है इनकी जो केमिस्ट्री है वो हमारे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे आप सभी को बता दें कि जिस तरह से आपने रिपोर्ट में देखा कि यहाँ पे जो 90s की लव स्टोरी का जो एक और प्रोमो शो के जरिए सामने आया है कि जो रणदीप राय ने शेयर किया है, अब देखना होगा कि भाई जो नैना है वो समीर की डिमांड मान लेती हैं या फिर पीछे हट जाती हैं, क्योंकि प्रोमो में सारी बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन फैंस इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि आखिरकार वो नैना का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि शो में जो धमाके होने वाले हैं जो रोमांस होने वाला है, तो भाई इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, हमारे फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मोमेंट सामने आए और नैना का जो फाइनल रिएक्शन है, आखिरकार नैना करती क्या है, ये फैंस काफी ज्यादा जानने के लिए बेताब है। वैसे आप सभी को बता दें एक तरफ हमारी नैना और दूसरी तरफ हमारे समीर, तो इनकी जो प्यार भरी केमिस्ट्री है फैंस इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि काफी समय पहले जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि किस तरह से समीर और नैना की एक किस को लेकर काफी ज्यादा बस भी क्रिएट था, जहां रणदीप राय ने भी दिया था एक बयान जहां उन्होंने कहा था उन्हें एक नहीं है ऐसी किसी भी चीज से प्रॉब्लम, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट यानी कि स्टोरी की डिमांड होगी तो वो यकीनन ये चीजें करेंगे और ये करने से पीछे नहीं हटेंगे। जहां आप समीर की बात करें तो भाई बड़े पर्दे पर की वो नजर आने वाले हैं। जी हाँ, फिल्मी पारी की शुरुआत जल्दी होगी रणदीप राय की। तो ये था आज का हमारा खास शो जिसमें हमने बात की सीरियल ये उन दिनों की बात है कि, जहां हमने आपको दिखाया
कि किस तरह से समीर यानी कि रणदीप राय ने किया है शो अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर और मचा दी है पूरे सोशल मीडिया पर खलबली, क्योंकि अब फैंस कर रहे हैं समीर और नैना के इस रोमांस का इंतजार। लेकिन अगर आप भी हमसे कुछ जानना चाहते हैं, किसी सीरियल से जुड़ी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या क्या अलग जानना चाहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू कमेंट। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।